सिक्स क्लास आपके चैप्टर फोर की रीडिंग मैंने यहाँ तक करवा दी थी आपको, आज हम यहाँ से करेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। मैं आपको टैगोर के बारे में बता रही थी। तो टैगोर डिसलाइक फॉर्मल एजुकेशन, उनको वो एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करने वाली एजुकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट ही रीड बायोग्राफीज़, उनको बायोग्राफीज़ पढ़ना अच्छा लगता था, हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, एस्ट्रोनॉमी सितारों वगैरह के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, और संस्कृत पढ़ना उनको अच्छा लगता था। एट द टेंडर एज ऑफ 11, जब वो सिर्फ 11 साल के थे, ही वॉज एबल टू डिस्कस विद हिज फादर द बायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडवर्ड गिबन्स, द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, एंड वॉल ऑल्सो टू एग्जामिन द पोइट्री ऑफ कालिदास। मतलब जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो वह अपने पापा के साथ क्या चीज़ डिस्कस किया करते थे, किया था उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी उनके साथ डिस्कस की थी, अपने फादर के साथ उसके ऊपर बातचीत की थी। साथ ही साथ एडवर्ड गिबन्स की बुक है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इसके बारे में उन्होंने अपने फादर से डिस्कशन किया। और उसके अलावा उनको कालिदास की पोइट्रीज़ काफ़ी पसंद थी। रविन्द्रनाथ टैगोर बिलीव दैट प्रॉपर टीचिंग इनकरेज क्यूरियोसिटी। रविन्द्रनाथ का मानना ये था कि अगर शिक्षा सही दिशा में दी जाए, सिखाया अगर सही दिशा में जाए, तो क्यूरियोसिटी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। एट 17, जब वो 17 वर्ष के थे, टैगोर वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, उनको इंग्लैंड भेजा गया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बट देयर ऑल्सो द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, लेकिन वहाँ का भी जिस तरीके का पढ़ाने का एक तरीका था, वही ट्रेडिशनल सिस्टम है, कमरे में बैठिए पढ़िए, सब्जेक्ट आपके सामने है, वो उनको वहाँ पर भी रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। ही रिटर्न विदाउट कम्प्लीटिंग स्टडी, तो वो अपना जो स्टडीज़ है उनको कम्प्लीट किए बिना ही वापस चले आए। ही वॉज इंटरेस्टेड इन टू मेन टॉपिक्स, वो उन्हें दो टॉपिक बहुत पसंद थे। पहला तो था ह्यूमन रिलेशन, मतलब सामाजिक एक तरीके से व्यवहार, उसके अलावा एंड इज मदरलैंड, और अपनी जो मातृभूमि है। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, जब वो भारत वापस आ गए, ही मैरिड मृणालिनी देवी इन 1883 में उनकी शादी जो है वो मृणालिनी देवी से कर दी गई। द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट इन इंडिया मूव्ड इन, जो भारत में गरीब और अनपढ़ किसान वगैरह थे, उन्हें उनकी दशा देखकर जो टैगोर हैं उनका हृदय एक तरीके से द्रवित हुआ। ही रियलाइज दैट दे वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय पोल्यूशन इन अनसाइंटिफिक बिलीव्स, उन्हें ये एहसास हुआ कि ये जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आप कह सकते हैं अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। मृणालिनी ही सेड, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं मृणालिनी, वी हैव टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल फॉर द पुअर फार्मर्स एंड बोटमैन, वो कहते हैं कि हमें जो है एक ऐसा स्कूल, एक जानकारी वाला एक ऐसा स्कूल खोलना पड़ेगा जिसमें गरीब फार्मर्स और बोटमैन जो हैं, नाव चलाने वाले लोग जो हैं, उनको एजुकेशन दी जा सके। दे नीड टू रिमूव द डीप रूटेड सुपरस्टिशन फ्रॉम देयर माइंड, उनके मन के अंदर जो अंधविश्वास जो भरा हुआ है उसको बाहर निकाल कर फेंकने की आवश्यकता है। वेयर डू यू वॉन्ट टू ओपन द स्कूल, तो मृणालिनी जो है वो ये पूछती हैं कि आप जो स्कूल है वो कहाँ पर खोलना चाहते हैं। एट शांति निकेतन, कहाँ पर खोलना चाहते हैं, शांति निकेतन में, नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास बोलपुर है, वहाँ पर ये शांति निकेतन का घर बना हुआ है, यहाँ पर वो अपना स्कूल खोलना चाहते थे। वेयर देयर वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर लोगों को अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस मिले शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ गुरुदेव, गुरुदेव की गाइडेंस के चलते, द टीचर्स टू क्लासेस अंडर द ट्रीज, अंडर द ओपन स्काई एंड ग्रीन ग्रास अराउंड, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में जो वहाँ के टीचर्स थे, अध्यापक थे, उन्होंने लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। कहाँ पर थी, पेड़ के नीचे, ओपन स्काई, आसमान के नीचे, ग्रीन ग्रास, बगीचे वगैरह में, यहाँ पर उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। लेटर द स्कूल बिकम अ कॉलेज, बाद में ये जो स्कूल है वो कॉलेज बन गया, एंड देन अ फेमस यूनिवर्सिटी अंडर द नेम ऑफ विश्व भारती, मतलब धीरे धीरे वो स्कूल से कॉलेज बना और अब वो जाके एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया जिसका नाम है विश्व भारती। टुडे स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड कम टू स्टडी हियर, अलग अलग देशों से लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। टैगोर वांटेड पीस एंड हारमनी फॉर हिज कंट्री, टैगोर जो थे वो अपने देश के लिए एकदम शांति और खुशहाली चाहते थे। इन 1905 लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इन टू पार्ट्स, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिसीजन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस डिसीजन का बहुत कड़ाई से कह सकते हैं आप
मनाही की इसकी इसके खिलाफ गए वो। ही रोट अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी सॉन्ग एंड अटेंड प्रोटेस्ट मीटिंग। उन्होंने बहुत सारे इस समय पर ऐसी पोएम्स लिखी जिससे लोगों को जगाया जा सके, जिससे लोगों को एक तरीके से एनर्जेटिक किया जा सके। और साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट मीटिंग थी, जितने भी इसके चलते जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उन मीटिंग्स में उन्होंने भाग लिया। ही बिगिन टू राइट स्टोरी, उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया, पोएम्स लिखना शुरू, सॉन्ग्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, मतलब भारत के कल्चर और सोसाइटी के बारे में उन्होंने पोएम्स, स्टोरीज, सॉन्ग सब कुछ लिखना शुरू किया। थ्रू हिज रिवोल्यूशनरी राइटिंग ही ट्राई टू रिवाइव द मेंटल एंड मोरल स्पिरिट ऑफ पीपल। जब वो अपनी ये पोइट्रीज लिख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के अंदर एक नैतिक भावना जगाने की कोशिश की। ही वॉज फुल ऑफ एंग्विश, वो जो थे वो एकदम सफ़र कर रहे थे, एकदम आप कह सकते जद्दोजहद में थे। पेन एंड सैरो एट जवाहर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वेयर हंड्रेड ऑफ इनोसेंट सिविलियन वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर बाउंडेड ऑन अप्रैल 1919 अमृतसर। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो टैगोर थे उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ, बहुत दुखी हुए वो, बहुत उन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत दुख और दर्द से वो गुजर रहे थे उस समय। टैगोर वॉज टैलेंटेड, ही वॉज पेंटर, पोइट, राइटर, नोबलिस्ट, फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट। अगर हम टैगोर की बात करें तो वो एक तरीके से विद्वान थे। ही वॉज अ पेंटर, वो पेंटर थे, वो पोइट भी थे, प्ले राइटर मतलब ड्रामा वगैरह लिखते थे, नोबलिस्ट भी थे, उपन्यास लिखते थे, फिलोसोफर थे, वो साहित्यकार थे और सारे एजुकेशनिस्ट भी थे वो, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनमें मौजूद थी। ही इज़ जीनियस लाइक द राइजिंग सन बिगिन टू क्रिएट वंडर्स, वो एक सूरज की तरह थे जो उगते ही चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज लिटरेचर इन 1930 फॉर हिज बुक ऑफ पोएम कॉल्ड गीतांजलि। उनकी एक किताब थी गीतांजलि, 1913 में इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन 1950 ही वॉज नीटेड बाय द ब्रिटिश किंग, नाइटेड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव। जॉर्ज फाइव के दौरान उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी 1915 में। इन 1990 फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मस्कार टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने जो उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी वो वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रोमोटेड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड टॉलरेंस, उन्होंने एक तरीके से भगवान की जो आस्था है और जो सहन करने की शक्ति है उसको बढ़ावा दिया। बिसाइड्स पोइट्री रोड प्लेस, पोइट्री के अलावा उन्होंने प्लेस भी लिखे, नाटक भी लिखे, डांस ड्रामा लिखे, स्टोरीज और नोबल लिखी। टैगोर ऑल्सो क्रिएटेड न्यूमरस ड्राइंग एंड पेंटिंग, बहुत सारी ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह उन्होंने बनाई। ही रोट म्यूजिक एंड लिरिक फॉर द पोएम ही रोट, उन्होंने जो पोएम्स लिखी उनके लिए खुद ही म्यूजिक बनाया, मतलब पोएम लिखना फिर उसको गाना अलग चीज़ है, तो उनको गाने के लिए जो लय तान चाहिए वो भी उन्होंने खुद बनाई। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इज कॉल्ड रविंद्र संगीत, उनका जो संगीत का जो कलेक्शन है, उनका जो गानों का कलेक्शन है, उन्हें क्या कहा जाता है, रविंद्र संगीत कहा जाता है। हिज कंपोजिशन जनगण मन वॉज अडेप्टेड इन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, उनका एक कंपोजिशन था, गाना था गाया हुआ जनगण मन, जो कि एज अ नेशनल एंथम जो है इंडिया का गाया जाता है। वाइल वन ऑफ हिज सॉन्ग, और उन्हीं में से इनका एक सॉन्ग है अमोर सुहार बांग्ला, सुनार बांग्ला, माई गोल्डन बांग्ला, वॉज लेटर मेड इन टू द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जिसे बांग्लादेश का नेशनल एंथम बाद में अपनाया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एज ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड पास्ड अवे ऑन 8 अगस्त 1941 एज इज एसेंट्रल होम इन कैलकटा, तो वहीं जहाँ कैलकटा में उनका जो पुश्तैनी घर था उन्हीं में उनकी मृत्यु 8 अगस्त 1914 को हो गई, ठीक है। गुरुदेव जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव कहा जाता था, तो उनकी मृत्यु जो है 1941 में हो गई। ना मैंने आज आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में फुल्ली बता दिया, अब जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो हम विलियम वर्ड्स के बारे में जानेंगे। आई होप आपको समझ में आया, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।